माहरे नफ्सियात कहते हैं कि खुद के लिए एक वक्त मुक्त कर लें जिसमें किसी की कोई जगह ना हो, बस अपना सोचें, खुद को वक्त दें, कुछ वक्त के लिए अपना उस्ताद, वकील और जज बन जाएं, अपनी खूबियों की तारीफ करें और खुद ही तनकीद करें और खुद ही मशवरा भी करें। मुख्तसर के खुद को वक्त दें, खुद की सुनने से, खुद पे काम करने से दूसरों से सुनना कम पड़ता है क्योंकि आप खुद को बेहतर जानते हैं। तरबियत और पालने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। हमने आसमानों में परिंदों की मानिंद उड़ना सीखा, मछलियों की तरह तैरना जाना, मगर आज तक हम भाइयों की तरह एक साथ रहने का सादा सा फन न सीख पाए। जबकि एक साथ भाइयों की तरह जीना आबे नागरीज है, वरना हमें बेवकूफ़ों की तरह अकेले अकेले मरना पड़ेगा। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन दुआ मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो? वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मकदार बढ़ा दो। जो आंख माइनस देखने की आदी हो जाए, उसे प्लस में भी 2 माइनस नज़र आते हैं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। इंसान ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन ऐसा कचरा दान ना बना सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। काबिले रहम है वो कौम जो जनाजों के हजूम के सिवा कहीं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती और माजी की यादों के सिवा इसके पास फ़ख्र करने का कोई सामान नहीं होता। लोग कीचड़ से बच कर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये गुमांड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गरूर में रहते हैं। जो जो दुकानें और होटल लवाजमत से बढ़ते जाते हैं, सड़कों पर नंगों और भूखों की तादाद बढ़ती जाती है। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है।